दोस्तों क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार हर मैच में ही सभी खिलाड़ियों के सहयोग से टीम ने सभी मैचेस जीते हैं। और इसी कड़ी में भारत का मुकाबला अब 27 जून को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाला है और यहाँ भी हम भारतीय यही उम्मीद करते हैं कि टीम यह मुकाबला भी अपने नाम करे। लेकिन दोस्तों शायद आपको यह बात जानकर के हैरानी हो कि जिस वेस्टइंडीज टीम को आज हल्के में लिया जा रहा है वह टीम एक समय पर सबसे मजबूत हुआ करती थी और वर्ल्ड कप के शुरुआती टूर्नामेंट्स भी वेस्टइंडीज ने अपने ही नाम किए हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें भी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। और दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम वर्ल्ड कप के पूरे सफर के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई और भारतीय टीम ने किस तरह से इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहली बार खेले जाने वाले वनडे मैच की तो वो खेला गया था 5 जनवरी 1971 को जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में था। और फिर इसी फॉर्मेट की लोकप्रियता को देखते हुए ICC ने 1975 से वर्ल्ड कप टूर्नामेंट करवाने का निर्णय लिया। और दोस्तों 7 से लेकर 21 जून 1975 तक चलने वाले वर्ल्ड कप में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका ने हिस्सा लिया था। हालांकि भारत का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में काफी खराब रहा और टीम को ग्रुप स्टेज से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल भारत इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ईस्ट अफ्रीका के साथ ग्रुप ए में था, लेकिन पहला मैच इंग्लैंड से 202 रनों के बड़े अंतर से हारने के बाद दूसरे मैच में भारत ने ईस्ट अफ्रीका को हराकर वापसी तो जरूर की लेकिन अगला ही मैच न्यूजीलैंड से 4 विकेट से हारकर भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गया। और फिर आखिर में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए फाइनल मैच में वेस्टइंडीज ने जीत का स्वाद चखा और दोस्तों यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। और फिर इसी तरह से ही दूसरा वर्ल्ड कप भी 1979 में इंग्लैंड के अंदर ही खेला गया था जो कि 9 से लेकर 23 जून तक चला था। और दोस्तों यहां पर भले ही यह वर्ल्ड कप का दूसरा एडिशन था लेकिन नतीजा बिल्कुल ही जैसा का तैसा रहा क्योंकि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल मैच में वेस्टइंडीज ने फिर से बाजी मार ली और भारत का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में तो एकदम बेकार रहा क्योंकि इंडियन टीम अपने तीनों ही ग्रुप मैच में हारकर दौरे से बाहर हो गई थी। और दोस्तों आज के समय में जिस टीम को एकदम साधारण समझा जाता है वही पहले दो वर्ल्ड कप की लगातार विजेता थी। और दोस्तों विश्व कप का तीसरा एडिशन जो कि 9 से लेकर 25 जून 1983 तक खेला गया उसमें भारत ने सभी को अचंभित कर दिया क्योंकि जो टीम सबसे कमजोर मानी जा रही थी उसने कपिल देव के कैप्टेंसी में पहले दो वर्ल्ड कप के विजेता वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराकर क्रिकेट के सबसे बड़े कप को अपने नाम कर दिया। और इस तरह से ही भारतीय क्रिकेट टीम ने क्लाइव लॉयड के लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। और दोस्तों इस वर्ल्ड कप को भी इंग्लैंड में ही आयोजित किया गया था। और दोस्तों 1983 के वर्ल्ड कप में मोहिंदर अमरनाथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और रॉजर बिनी 18 विकेट लेकर हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। और फिर 1987 के वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम पूरे जोश में दिखाई दी क्योंकि ग्रुप स्टेज के 6 में से 5 मैचेस जीतकर टीम ने बड़ी ही आसानी से सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। लेकिन यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकी और इसी वजह से टीम को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और दोस्तों यह टूर्नामेंट बेसिकली भारत और पाकिस्तान ने मिलकर होस्ट किया था जिसमें कि अंत में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा किया और यहां पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्ल्ड कप का पहला टूर्नामेंट जीता था। और फिर 1992 में खेले गए 5वें वर्ल्ड कप में भारत एक बार फिर से पहले ही राउंड में बाहर हो गया लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 22 रनों से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। हालांकि 1996 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका ने भी मेजबानी की पर यहां पर टीम इंडिया ने फिर से वापसी करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली लेकिन श्रीलंका से हारकर भारत को एक बार फिर से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और फिर 1996 का फाइनल मुकाबला श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ जिसमें कि श्रीलंका ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को पहली बार अपने नाम किया। और फिर इसके बाद से हुआ 1999 का वर्ल्ड कप जिसमें टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज तो पार कर लिया था लेकिन सुपर सिक्स में आते ही भारतीय टीम का परफॉर्मेंस काफी गिर गया जिसकी वजह से भारत टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। और 1999 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर दूसरी बार अपने नाम किया। और दोस्तों इसके बाद से खेले गए 2003 के वर्ल्ड कप में
भारत सौरव गांगुली की कप्तानी में फाइनल में तो पहुंच गई, लेकिन कंगारुओं से अंत में टीम को हार का सामना करना पड़ा। और यह पहला और आखिरी मौका था जब भारतीय टीम फाइनल में पहुंच कर भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई। हालांकि सचिन तेंदुलकर इस टूर्नामेंट में 673 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। हालांकि अगला 2007 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि जिस टीम को सबसे बेहतरीन टीमों में गिना जा रहा था वह श्रीलंका और बांग्लादेश से हारकर पहले ही बाहर हो गई थी। और इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हराकर एक बार फिर से वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। लेकिन 2011 में जब भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर वर्ल्ड कप का आयोजन किया, तब इस टूर्नामेंट में MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया। और श्रीलंका के गेंदबाज कुलशेखरा की बॉल पर छक्का लगाते हुए भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को यादगार जीत दिलाई। और इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह के शानदार पारियों की वजह से उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और दोस्तों 2015 विश्व कप में टीम इंडिया ने एक बार फिर से अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा, क्योंकि टीम ने लगातार 7 मैचों में जीत हासिल की और शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए भारत सेमीफाइनल में भी पहुंच गया था। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया से 95 रनों से हारकर भारतीय टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी। और फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। और दोस्तों फिलहाल चल रहे 2019 वर्ल्ड कप में भी हमारी भारतीय टीम पूरे जोश में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और हम यही आशा करते हैं कि भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप का ट्रॉफी अपने देश लाए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद से आप भी वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम के पूरे जर्नी को जान गए होंगे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।